हाँ तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून सब लोगों को। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के इस अगले चैप्टर्स की सीरीज में फिर सभी का आप सभी का स्वागत है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में वर्नौली तक पहुंच गए हैं। वर्नौली इक्वेशंस, वर्नौली थ्योरम्स जो होती है वो कैसे प्रूफ की, क्या किया उसमें, क्या क्या सीखना था, ये सारी बातें ऑलरेडी हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, ये लेक्चर नंबर 12 जो हम लोग देख रहे हैं, आज हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। वर्नौली के जो थ्योरम्स के जो प्रूफ वगैरह थे या उसका एक दो यूजेस जो थे वो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। आज हम इसके बेसिकली एप्लीकेशंस वाले पार्ट पर टारगेट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी इसमें से सवाल पूछता रहता है। आए हुए साल्स में अगर आप देखोगे तो बर्नौली थ्योरम्स में से, फ्लूइड मैकेनिक्स में से अगर कोई सवाल है तो दो सवाल पूछे हैं अगर किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा हमारा वो बर्नौली पर होगा। तो चलिए, ये हमारी अनअकैडमी के मोमेंटम चैनल की टीम है, आप सभी का इस टीम में स्वागत है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, माय सेल्फ सक्षम राजपूत और लोग मुझे एसआर सर के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से की है, बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। मैं 2 सालों से कोटा में पढ़ा रहा हूँ, लोग जानते हैं कि मैं कोटा पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ साल बनारस भी पढ़ाया है। मैं डेली 2 स्लॉट में लाइव आता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स 2 to 3 PM एंड सेंटर ऑफ मास 9 to 10 PM। इन 2 स्लॉट्स में मैं डेली के डेली लाइव रहता हूँ, डेली में लाइव आता हूँ इन 2 स्लॉट्स पे। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन देने के बाद आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो मैं आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म्स पर, आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी को पता है अनअकैडमी हमारा इंडिया का टॉप मोस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोटा की बेस्ट फैकल्टी टीम्स अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। नॉट इवन कोटा, आप ऑल ओवर इंडिया की सारी टीम्स को, सारी टीम्स जो है वो एजुकेटर्स की वो यहाँ अवेलेबल है। आप अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस का भी अरेंजमेंट देख सकते हैं कि हम लोग कुछ स्पेशल क्लासेस, जैसे कुछ बच्चों की क्लासेस छूट जाती हैं जिसकी वजह से उनकी कुछ स्पेशल क्लासेस रह जाती हैं या उनके कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, तो कुछ टॉपिक ओरिएंटेड स्पेशल क्लासेस भी हम लोगों ने डिजाइन कर रखी हैं। तो ये उन बच्चों के लिए फ्रूटफुल है जो ऑफलाइन में किसी कारणवश स्वास्थ्य सही होने के ना कारण उनकी क्लास छूट गई या किसी और रीजन से उनकी क्लासेस ड्रॉप हो गई हैं। तो इन सारे रीजन्स को वजह से हम लोग टॉपिक, किसी टॉपिक ओरिएंटेड बेसिस स्पेशल क्लास रख देते हैं। उस स्पेशल क्लासेस में, उस स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो उस स्पेशल क्लास में पूरा टॉपिक कवर होता है, टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो होती हैं वो पढ़ाती हैं। इसी के साथ में हम लोग अनअकैडमी के लर्निंग एजुकेटर्स ऐप को ऑफलाइन क्लासरूम के जैसे डिजाइन कर रखा है। ऑफलाइन क्लासरूम की जैसी ही आपको फील आएगी, आप टीचर्स के साथ में, एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इसके साथ में इंटरेक्टिव पोल्स, जैसे कोई फैकल्टी ने आपको एक क्वेश्चंस दिया, उस क्वेश्चंस में आपको उसमें ए बी सी 3 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 3 क्वेश्चंस ए बी सी डी, इन 3-4 ऑप्शंस में से कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपका आंसर मार्क किया जाएगा। आपको पता चलेगा कितने बच्चों ने एग्जाम ये वाला क्वेश्चंस का आंसर किया है, कितने सारे बच्चों का ए आंसर सही है, ये कितने सारे बच्चों ने बी मार्क किया, आप किस रेशियो में आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग, इंटरेक्टिव पोल्स भी जनरेट होता है। आप सबसे अच्छी बात है किसी भी टाइम किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन के जैसे लोगों के मिथ है कि सर ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती है, वो क्लास जैसी फील नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं अनअकैडमी का प्लस ऐप जाएंगे तो आपको 110% वो फील आने वाली है। तो आपको एक सही जगह, यू आर राइट प्लेस, आप अपने आप को महसूस करेंगे और वो भी ऑफलाइन से कम अमाउंट में और कम अमाउंट की फीस में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं अनअकैडमी के प्लस चैनल के बारे में। प्लस चैनल एंड जिस पे आप अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोमेंटम चैनल, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों प्लस इंपॉर्टेंट है, क्यों मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आपको बता देंगे। तो अनअकैडमी के मोमेंटम चैनल पर मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगा, 1-to-1 टॉपिक्स का सारा थ्योरेटिकल, इवन कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल सारा कुछ करके दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्विजेस, टेस्ट पेपर्स एंड मटेरियल्स की हेल्प नहीं कर सकता हूँ,
एंड मटेरियल्स की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपको मटेरियल्स और क्विजेस और टेस्ट पेपर्स के लिए अनअकैडमी प्लस बहुत सब इम्पॉर्टेंट है। सभी को पता है आईआईटी के लिए मटेरियल, रिलेवेंट मटेरियल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर आईआईटी जाने के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्रिशियल पार्ट है। तो ये आईआईटी के लिए एक क्रिशियल पार्ट है। मैं अनअकैडमी के प्लस चैनल पर ये सारी चीज़ें जो मोमेंटम पर चल रही इससे ज़्यादा अच्छे से सिंक वे में होता है। साथ ही साथ हमें एक मटेरियल एक रेगुलर क्लासरूम की जैसी फील आने लगती है कि रेगुलर क्लासरूम कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमें कवर अप करने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर कहीं आप वन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के जैसा होता है, ये जो जो भी फीस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑल थ्री सब्जेक्ट्स की है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स की जगह पे बायो हो जाएगा। ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, आप जो भी स्ट्रीम के होंगे आप उसके पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। ये एक सब्सक्रिप्शन जैसा है। आप वन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो 6,000 पर मंथ, 3 मंथ का लेते हैं तो 5,000 पर मंथ, एंड 6 मंथ का लेते हैं तो 4,000 पर मंथ, एंड 12 मंथ का लेते हैं तो 4,000 एंड 2,500 पर मंथ। तो अब लोगों के दिमाग में आता है सर इसमें से कौन सा सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, तो मैं इन तीन को लेने के लिए अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि आईआईटी एक ये 3 या 6 महीने की प्रिपरेशन नहीं होती है, एटलीस्ट आपको 1 ईयर का कंप्लीट पैकेज मिल रहना चाहिए, ताकि आप जिस टीचर्स को या जिस फैकल्टी को फॉलो अप कर रहे हो उसके 1 साल के सारे कोर्सेस जो भी आप पूरा सिलेबस है वो 1 साल में कवर अप कराएगा, आप उसको 1 साल में देखें और आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 1 ईयर की जो फीस होती है रफली, वो अगर आप देखोगे तो 1 ईयर की फीस 30,000 हो जा रही है, 30,000 पर ईयर हो रही है। लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और वही उसी में 3,000 का डिस्काउंट के साथ ये ही आपको 27,000 में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये 27,000 में जो आपको ये मिला है, इसके 27,000 में अवेलेबल हो जाने के बाद आप देख पा रहे हो कि 25,000 में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इतनी कम अमाउंट अगर आप मंथली बेसिस पे जाएंगे तो ये 2,520 पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, एक नॉर्मल से शहर की हॉस्टलिंग फीस से भी कम है। इतने में आप आईआईटी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों पढ़ सकते हैं। इवन ये फीस जो है वो सीबीएसई के लोकल कोचिंग से जो बोर्ड लेवल की होते हैं उनसे भी कम है। तीनों सब्जेक्ट की फीस एटलीस्ट इससे ज़्यादा होती है सीबीएसई के ही लिए ही, लेकिन आप यहाँ पे ये इतने कम पैसे में पढ़ सकते हैं। आईआईटी के लिए आप किसी को देख सकते हैं, इवन उन फैकल्टीज़ को जो कोटा की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हैं, हमारे चैनल्स पर अवेलेबल हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही हम आपकी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्लस के साथ में कि आईआईटी जेई के सब्सक्रिप्शन में 2 साल का सब्सक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट होता है। वो किसको लेना चाहिए? जो 9th एंड 10th में या जो 11th में जिनका बिगड़ गया है, 11th अच्छे से नहीं हुआ, किसी कोचिंग्स में उनका किसी टीचर्स या फैकल्टी के साथ में उन्हें अच्छा नहीं मिला, उन्होंने फीस पे कर दी, उनका 11th बर्बाद हो गया, तो इन 3 सालों में 11th किन लोगों को लेना है, 9th 10th किन लोगों को? जिन्होंने आईआईटी जाने का सपना ऑलरेडी देख रखा है, उन्हें आईआईटी पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हमें आईआईटी जाना है, ऐसे लोगों के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब आपको 2,000 पर मंथ के हिसाब से पे करना है और 2 साल का वही फीस अब आपको 48,000 में लगेगी। लेकिन अगर आप इसी के साथ एक कोड यूज करेंगे RAJLIV, तो इस कोड के यूज करते ही साथ में आपको 4,800 का रिवाइव डिस्काउंट मिलेगा, और यही फीस अब आपको 43,200 रुपीज में मिल जाएगी, और इतनी कम अमाउंट में आप देख पा रहे होंगे कि आपको बेसिकली 1,800 के पर मंथ के हिसाब से पे करना है, और इतनी कम अमाउंट से आप देख पा रहे हो कि आपको 24 महीने तक आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मौका मिलेगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ सकते हैं। और किसी को लगता है कि सर कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्लास है, तो हम लेक्चर वाइज आपको नोटिशन भी देते हैं, नोटिफिकेशन भी जाता है, नोटिफाई भी करते हैं कि ये लेक्चर है, अब पिछली क्लास में हम यहाँ तक पढ़ाया था। मैं अपने हर एक लेक्चर सीरीज में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजों का सिंक चलता है, लेक्चर नंबर भी होता है उस पे। तो डोंट वरी, आप इसकी बात की टेंशन ना लीजिए, आपको कैसे चीजों को करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमें अपनी चीजों को कंप्लीट विल करना है, कैसे कौन सी चीज को लगाना है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको क्लियर होना चाहिए, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, और इसी के साथ में आप ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिस्काउंट चाहिए।
आर जे एल आई बी कोड यूज करिए आप अनअकैडमी का। जिन लोगों को नहीं पता कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप क्या है तो मैं आपको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी स्टूडियोज के मोमेंटम चैनल को देख रहे हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आप एंड्रॉयड चला रहे हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही साथ में आपको पता चलेगा कि ये मोस्ट रेटेड ऐप है, आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगला स्टेप आपका आपका कोर्स होगा, जो कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईआईटी जेई सेलेक्ट करिए। आईआईटी जेई सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो ड्यूरेशन लिखिए, 1, 3, 6 एंड 1 ईयर एंड 2 ईयर। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन आप यहाँ पे भर सकते हैं कि कितने महीने का लेना है, क्या लेना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ही आपको अगले लाइन में आपको यहाँ पे कोड डालना है, जिसके साथ ही इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस 10% के डिस्काउंट के साथ ही आप अपनी फीस के पेमेंट पर शीट करिए, आपका पेमेंट हो जाएगा और आप कोर्स में इनरोल्ड हो जाएंगे। इस कोड को लगाते ही साथ में आप डायरेक्टली मेरे से लिंकअप होंगे, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। मैंने भी आईआईटी की प्रिपरेशन की है, मैं आईआईटी बॉम्बे तक कैसे मैंने अपना सफर तय किया, कितने आवर्स मैंने स्टडी किए, कितने आवर्स जरूरी होते हैं, क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या रेलेवेंट नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास, ये इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले यूजुअली हम अपनी पिछली क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने बर्नौली थ्योरम जो है, बर्नौलीज थ्योरम, उसके प्रूफ के बारे में देखा था। उसका प्रूफ कैसे होता है, आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए, बोर्ड लेवल पे एग्जाम में हर साल आए एक दो साल में ये आता रहता है कि कैसे बर्नौली थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, कैसे बर्नौली थ्योरम लगाएं, तो इस प्रूफ को लगाते हैं हम लोग। तो बर्नौली थ्योरम का जो प्रूफ है वो प्रूफ दिखाया, और वो प्रूफ बर्नौली थ्योरम वैसे बेसिकली ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज का सम जो था वो कांस्टेंट था, ये हमें प्रूफ करना था। पिछली क्लास में हमने बेसिकली यही लिखा है, ये बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट था कि और सब हर टाइप की एनर्जी का जो सम होता है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट कराया है और ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। अब अगर कहीं इसी के कुछ स्पेशल केसेस देख लें, जैसे कि सबसे पहला केस, अगर कहीं जो आपकी ट्यूब है जिसमें फ्लूइड जा रहा है, ट्यूब इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, किसकी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। अगर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, कांस्टेंट, ए की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ए वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो किसी फ्लूड के लिए ये हमने एक केस लिखा है, समझना हमने क्या बोला है कि ट्यूब अगर आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, वो अनइवन नहीं है, कहीं मोटी पतली नहीं है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म है, तो आप क्लियरली बोल पाओगे कि हमारा जो ए की वैल्यू यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी आप बोल सकते हो कि हमारा जो ए इंटू वी की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, कॉन्स्टेंट, यानी वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, आप क्लियरली ये बात बोल सकते हो। इसी के साथ अगर हम आपसे बोलें कि हमें V की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट होगी अगर कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, मतलब कि ट्यूब कुछ ऐसी होनी चाहिए जितना एरिया इस वाले पॉइंट का हो उतना ही एरिया इसका होना चाहिए, मतलब ट्यूब मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा कि जिस स्पीड से फ्लूड यहाँ आ रहा होगा उसी स्पीड से फ्लूड यहाँ जा रहा होगा, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी फ्लूड की इधर होगी इसको अगर ये पॉइंट मान लें तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वी पॉइंट पे होगी। तो फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन अगर हम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पर अगर हम बर्नौली लगाएं तो देखो बर्नौली क्या हो जाएगी, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, दिस विल इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस रो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी, और क्लियरली हमें पता है कि वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्रेशर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी कि कैसे हमने प्रेशर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या बोल दिया, कांस्टेंट, अगर कहीं ट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लूइड की दैट विल बी अ कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब।
क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पर स्पीड कैसी होनी चाहिए, सेम, और दोनों पॉइंट पर जब स्पीड सेम आएगी तो हम क्लियरली बोल पाएंगे कि जो हमारी पी यानी प्रेशर प्लस रो जी एच की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट कैसी आने वाली है कॉन्स्टेंट, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर कहीं हम इसी केस को आगे बढ़ाएं, इसी केस में अगर हम आगे देखें, तो इसी केस में अगर हम आगे बढ़ाएं इस सीरीज को, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि अगर कहीं वो सेम हाइट पर हो, सेम हाइट पर हो, उसके दोनों यानी ट्यूब कैसी हो, सेम, अनइवन चलेगी, लेकिन ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा होना चाहिए, सेम। यानी कि अगर कहीं हम इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ग्राउंड लेवल अपने रेफरेंस लेवल से जो हाइट है, जो अपने रेफरेंस लेवल से जो हाइट है एच ए और ये भी एच बी, ये किसके बराबर है, एच ए के, यानी कि कितनी हो गई एच ए, मतलब कि जो इस फ्लूड है यहाँ पे, इसको ए मान लो एंड ये बी है, तो यहाँ का प्रेशर पी ए हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर पी बी हो जाएगा, और कंटिन्यूटी से हम क्लियरली बोल सकते हैं अगर यहाँ की स्पीड वी ए है तो यहाँ की स्पीड वी बी हो जाएगी, ये वी बी हो जाएगी। तो अगर कहीं आप बोलोगे प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, इन सब में रिलेशन क्या होगा, तो हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई ए एंड बी पे, तो बर्नौली इक्वेशन लगाई तो वो क्या होगा, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। रो जी एच बी से रो जी एच ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हाइट सेम है, तो हमारा हिसाब से क्या जाएगा, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है फ्लूड में वो हमारा कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो फ्लूड में है वो हमारा कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को बर्नौली लगाना ही नहीं आता है, तो आप बर्नौली लगाते टाइम पे टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस बर्नौली इक्वेशन किन्हीं दो पॉइंट को पकड़ना है, उन दो पॉइंट पे बर्नौली पूरे तरीके से लिखनी है, और जैसे ही आप उन दो पॉइंट पे बर्नौली पूरे तरीके से लिख लेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो हमने दो केसेस के बारे में डिटेल्स में चर्चा की है, अगर आप देख पा रहे होंगे दो केसेस कौन कौन से हैं, कि अगर कहीं सेम हाइट पर हमारी ट्यूब हो तो क्या होगा, और अगर सेम हाइट पर ना होने के बजाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो तो फ्लूड का जो फ्लो होगा, यानी कि जो फ्लो फ्लूड का आने वाला है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये कुछ बातें हैं जो हमने चर्चा की है। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, बर्नौली इक्वेशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बर्नौली इक्वेशन को प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। थोड़ा सा अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो उसकी स्पीड ऑलरेडी हम थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ाते हैं, अगर फिर भी आप चाहो तो उसको 1.25x पर देख सकते हो, ताकि आपका कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर सको, और कवर अप करने के साथ ही आप ये सब देख सको कि कैसे हमें ये सब करना है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सब पार्ट, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ ही आपको पता रहना चाहिए कि हमने कैसे चीज़ों को किया है, क्या क्या हमने इम्पॉर्टेंस देखी है इस सब की। हमने दो केसेस कौन कौन से डिस्कस किए हैं, बर्नौली के अगले क्वेश्चंस पर आते टाइम आने से पहले हम सारी चीज़ें देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस है, और उस क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से ट्राई करते आना चाहिए। बर्नौली हमने दो टाइप के ट्यूब में लगा के दिखाई, कल भी हमने जनरलाइज फॉर्म में बर्नौली लगा के दिखाई थी। तो चलिए हम लोग अपने आज के क्वेश्चंस पर आते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो हमारा क्वेश्चंस क्या है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब बना दी हमने, इसमें एक फ्लूड भर दिया जिसकी डेंसिटी वाटर मान लेते हैं अभी हम थोड़े देर के लिए, एक न्यूमेरिकल प्योर न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके भी दिखा देंगे। एक ट्यूब है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर की जो डेंसिटी है वो 10^3 केजी पर मीटर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नैरो वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 cm² है, और जो हमारा जो वाइडर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 4 cm² है। इसके लेवल में एंड इस वाले फ्लूड के लेवल में जो डिफरेंस है हाइट का वो 2 cm मान लेते हैं। तो हमें कितना डेटा दिया है ये देख लो, क्वेश्चन क्या है, एक ट्यूब है इस शेप की, यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ से लिक्विड निकल रहा है,
इसमें एक ट्यूब लगी है वर्टिकल, जो कि हमने पिछली क्लास में वेंचुरी मीटर बताई थी, दैट इज अ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ वेंचुरी मीटर ट्यूब। वेंचुरी मीटर ट्यूब के बारे में सबको पता होगा, तो इसमें एक ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, तो इस लेवल के जो फ्लूड है यानी इधर और इसमें जो डिफरेंस है हाइट का वो 2 सेंटीमीटर का है। तो बेसिकली हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं इधर और एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं इधर, इस पॉइंट को ए बोले दे रहे हैं और इस पॉइंट को बी बोले दे रहे हैं। ये दो पॉइंट हमने मार्क कर दिए। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड बताना है, फाइंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूड, फ्लोइंग फ्लूड मतलब हमें फ्लूड जो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। ये बेसिकली बीपी चेक करने में भी काम आता है, किसी ट्यूब को ऊपर से कैलकुलेट करने के भी काम आता है कि इस ट्यूब में पानी किस स्पीड से बह रहा है, और ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से हम बता सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने फ्लूड की स्पीड बताई, किसी पाइप में जो पाइपलाइन होती है उसमें फ्लूड जो फ्लो होता है वो किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से फ्लो हो रहा होता है, ये हमें पता लगता है। तो इस अरेंजमेंट के थ्रू हमें वी की वैल्यू बतानी है, तो चाहे फिर वो पॉइंट ए पे बता दो, क्योंकि वेलोसिटी एट चाहे ए बता दो और चाहे वेलोसिटी एट पॉइंट वी बता दो, इनमें से जो बता दोगे दूसरी अपने आप निकाल सकते हो, ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करना। तो सबसे पहला पार्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको लगानी है, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट की वेलोसिटी और वी पॉइंट की वेलोसिटी में रिलेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन से आता है, ये मत भूलिए। जब भी आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के पता है, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना मत भूलिएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वी ए इज इक्वल टू 2 इंटू वी वी इज इक्वल टू, हमारा ये आया, तो यहाँ से वी ए 2 VA इज इक्वल टू वी बी, यानी कि जो पॉइंट बी की वेलोसिटी है वो ए की वेलोसिटी की दोगुनी हो जाएगी। ये फ्रॉम कंटिन्यूटी बोला, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे हिसाब से होती कितनी है, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज थ्रू आउट द ट्यूब इज कॉन्स्टेंट, ये हमारी कॉन्स्टेंट आती है, ये आप सभी लोगों को पता है। ए बी इक्वल टू कितना आ जाता है, कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाता है। तो चलिए हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अपने इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो VV इक्वल टू कितना हो गया, 2 times VA के बराबर। अगला हम क्या करते हैं, वर्नौली लगाते हैं। वर्नौली कैसे लगानी है, तो देखो हम फिर से बना देते हैं इसको। ये हमारी एक ट्यूब थी, ये हमारी ट्यूब बनी हुई थी, तो हमने फिर से इसको ट्यूब को डिजाइन कर दिया, ये हमने फिर से बना दिया। तो हमारा जो फ्लूड यहां जो भरा हुआ था वो ये है, और इसके जो लेवल की हाइट है उस लेवल से वो हम लोगों ने दी है 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे हमने बर्नौली लगाने की कोशिश की है। ये मान लेते हैं इस लेवल से ये एक्स हाइट ऊपर है, और ये भी हमारा इस लेवल से ये 2 सेंटीमीटर है, ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी टोटल वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 के बराबर। मान लिया हमने कि इस b वाले, तो ये पॉइंट a है ये पॉइंट b है, तो बर्नौली देखते हैं क्या लग होती है। सबसे पहले इस पॉइंट को हमें पता है कि वेलोसिटी a इज इक्वल टू 2 times एट वेलोसिटी एट b एट a, ये आ जाएगी, यानी वेलोसिटी एट b इज इक्वल टू 2 times, ये हमने किससे निकाला, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हम लोगों ने निकाला है। ये सबको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये कैसे आए। तो बर्नौली अगर हम आपसे बात करें, बर्नौली थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं, तो बर्नौली क्या होगी, बर्नौली लगाते हैं, तो बर्नौली देखो कैसे लगाएंगे हम। प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, दिस विल इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी वी स्क्वायर प्लस रो जी एच वी। अब ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखी हुई है, तो एच ए बराबर कितना हो जाएगा, एच वी के बराबर, तो रो जी एच ए और रो जी एच वी यानी इस फ्लूड के इस पॉइंट को, ये दोनों सेम लेवल पर है, तो दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। एंड प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ रो वी वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर आ जाएगा, और VV की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2VA, तो यहाँ पे लिख दो हाफ रो 2VA रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 3 रो VA स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे तरफ से निकल के आ गया। एंड PA माइनस PB ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें PA की वैल्यू क्लियरली हम बोल सकते हैं, PA पॉइंट A का प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, P0 प्लस रो जी एक्स प्लस 2 के बराबर,
वर्टिकल में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वही होगा, एंड प्रेशर हेड भी कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एक्स के बराबर, ये इसके बराबर आएगा एंड इसके, क्योंकि कॉलम इतना सा है और वर्टिकल कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना अच्छे से सीखा है फ्लोइंग लिक्विड से पहले, स्टैटिक में हम लोग बस यही सीख रहे थे। तो पी ए माइनस पी बी बेसिकली कितना हो गया, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो जी इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 सेंटीमीटर, इसके बराबर ये आ गया हमारा। तो रो जी इंटू 0.02 इज इक्वल टू 3 रो वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा एंड वी ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0.2 × 2, दिस विल इक्वल टू 0.4 यानी कि 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो वेलोसिटी एट ए कितनी हो गई हमारी, रूट फोर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड पूरा। तो ये हमारी निकल के आ जाएगी अगर कहीं हम जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि ये सारी चीजों के अरेंजमेंट से आप निकाल पा रहे हो। तो आपको अगर वेलोसिटी एट ए पॉइंट पता चल गया तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितनी हो जाएगी, 2 × √40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे या जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया कैसे किया। तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा, या रूट फोर ही लिखो इसको और इसको 0.4 लिख दो और इधर भी 0.4 लिख दो और इसको मीटर पर सेकंड बोल दो, तो दिक्कत नहीं होगी आपको कि कैसे करना है। इधर को 0.4 मत करो क्योंकि स्क्वायर था तो यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि कैसे क्या करना है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजों के डिस्कशन के साथ ही आपको एक चीज क्लियर हो जा रही होगी, एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें चीजों को हमने सॉल्व किया, कैसे हमने चीजों को पॉइंट आउट किया, कैसे इक्वेशन लगाई। तो फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रिपीट करके बोल देते हैं और ओरली कि हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली लगाया क्या है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें वेंचुरीमीटर ट्यूब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इसका जो एक और इसका एक और एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वो एग्जाम्पल है क्या। तो फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी की बात कर रहे हैं। तो क्लियरली हमें पता है कि हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर बर्नौली लगाई, बर्नौली इस तरीके से लगाई, ये सेम लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है क्योंकि ट्यूब भी हमारी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो हमने बर्नौली लगा दी, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन लगाते ही साथ में हमें ये पता चला ये वाला पार्ट जो लिखा है वी ए बराबर टू वी बी, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से निकल के आया था। तो पी ए प्लस हाफ रो ए वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू पी बी, प्रेशर है ये, प्रेशर की लिखा है पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने निकाल लिए हैं, कैसे निकाले, क्या चर्चा की है, ये सारी चीजें थी। अगले पार्ट में पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो जी इंटू 0.02, इसके बराबर आया, रो से रो कैंसिल हो गया और ये निकल के आया। कुछ ऐसे सॉल्व किया हम लोगों ने और आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए तो आपको दो चीजें जरूर लगानी है, एक वर्नौली का क्वेश्चन आता है तो आपको कंटिन्यूटी थ्योरम याद रखनी है, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि लोगों के दिमाग से वो स्किप निकल जाती है और निकलने के बाद ही वो वी ए एंड वी वी में रिलेशनशिप जो होगा वो नहीं निकाल पाते हैं। तो वेलोसिटी ए एंड बी में हमें जो रिलेशन आता है वो नहीं निकाल पाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं पता चलता है कि कैसे हमें इन्हें प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में एट द सेम टाइम एग्जाम टाइम क्लिक नहीं होते, तो ध्यान रखना। बर्नौली का अगर एग्जाम्पल बर्नौली के ऊपर कोई क्वेश्चन है, आपको फील आ रही है बर्नौली का है, तो आपको कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन एंड फिर वर्नौली, इन दोनों चीजों के बारे में साइमल्टेनियसली सोचना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें वेलोसिटी का रिलेशनशिप देती है पूरे थ्रू आउट द ट्यूब में, एंड वर्नौली इक्वेशन जो है वो हमें पूरे ट्यूब में कहीं भी किसी दो भी पॉइंट पर सारी एनर्जीज का सम कांस्टेंट बताती है। यानी अगर कहीं हमने कोई दो पॉइंट मार्क किए तो उस पॉइंट पर जो पॉइंट वन मार्क किया उस पॉइंट पर सारी एनर्जीज लिखी है, प्रेशर की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीजें लिखी है। देन आफ्टर गो टू पॉइंट टू जो आपने मार्क किया उस पे भी यही कहानी को रिपीट करिएगा। ये जो दो चीजें हैं अगर आप इन दोनों चीजों को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ में अब हम लोग आज की क्लास में आगे देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों को देखना क्या, मैग्नस इफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर चुके थे, ट्यूब के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर कहीं अब इसी के ऑन द अदर हैंड एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो वो भी हम आपको बता देते हैं। एक ट्यूब है,
तो जो ट्यूब आई है वो कुछ इस तरीके से लिंक्ड है। और यहाँ पे हमारा मरकरी भरा हुआ है, ये हमने क्या किया मरकरी, कई बार ऐसा भी अरेंजमेंट होता है वेंट्रोमीटर ट्यूब का, ये हमारी हाइट हो गई एच, और यहाँ पे हमारा लिक्विड भरा हुआ है जो फ्लो कर रहा है, ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ये हमारा एक फ्लूड यानी कि लिक्विड भरा हुआ है जो कि फ्लो कर रहा है, ये हमारा एक फ्लूड है जो कि फ्लो करेगा अभी, ये मान लेते हैं इस स्पीड से यहाँ जा रहा है। हमें इसी इस वाले क्वेश्चंस में भी हमें बेसिकली जो निकालना है यानी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो स्पीड की ही करनी है। हमें क्या क्या डेटा पता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। हमें डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पता है एंड डेंसिटी ऑफ ये एच जी यानी मरकरी या कोई भी फ्लूड समथिंग भर सकते हैं, ये हाइट हमें पता है। इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसको, इस वाले पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट की क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी पता है हमें, इसका भी पता है, इसका भी पता है। इसका ए वन मान लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ए टू मान लेते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी लगाएंगे तो क्या आएगी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू के बराबर आ जाएगी। ये एक इक्वेशन बन गई कंटिन्यूटी इक्वेशन। हमने पिछले ही स्लाइड में डिटेल्स में बोला है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जरूर लगाना है आपको और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगाना। इसके बाद में आपको ये एक चीज और पता चल रही होगी और वो चीज है क्या कि ये जो हमारी जो ट्यूब बनी है, इस ट्यूब में अगर कहीं आप देख रहे होगे कि ये जो ट्यूब हमने निकाली है, ये ट्यूब इसमें जो एच हाइट तक फ्लूड भर दिया है, तो इस एच हाइट की फ्लूड के लिए अब हमें पता है कि इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इस पॉइंट का होगा। क्यों? क्योंकि दिस फ्लूड इज इन स्टैटिक मीडियम, ये फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लो यहाँ का करेगा इस ट्यूब का नहीं करेगा। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट का होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर हम पी ए मान लेते हैं और इस पॉइंट का प्रेशर पी भी मान लेते हैं। तो पी ए ये सेम फ्लूड है, इस लेवल से अगर देखो इसको प्रेशर एट ए मान लेते हैं, सॉरी इसको प्रेशर एट बी मान लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो पॉइंट का प्रेशर क्या लिखेंगे हम, अगर ये वाली हाइट हमें पता है, मान लेते हैं ये वाली हाइट हमारी एच डैश है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं प्रेशर एट पी ए डैश, ऐसे निकाल लेते हैं। पी ए डैश क्या हो जाएगा, रो जी एच डैश प्लस पी ए, ये आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर कहीं हम आपसे बोले पी बी डैश की वैल्यू बताओ वो कितनी होगी, रो जी एच प्लस एच डैश प्लस पी बी, इसके बराबर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी ए डैश माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी ए माइनस पी बी, इसके बराबर निकल के आने वाला। तो हमारा जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बेसिकली किसकी वजह से आने वाला है, इसकी वजह से। तो हमारा जो फ्लूड होगा बेसिकली वो कहाँ फ्लो कर रहा होगा, इधर, अगर मरकरी कॉलम इधर है, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रेशर होगा वो इधर ज्यादा होगा और वो किसके बराबर होगा, मरकरी कॉलम को बैलेंस कर रहा होगा। और इस तरीके से आप निकाल सकते हो सारी चीजें। अब हमें अगले पार्ट में बर्नौली लगानी है और वर्नौली लगाते ही साथ में आपको पता चल जाएगा कि अगर हमें ये हाइट पता है और हाइट हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाइट निकालने के लिए बहुत आसान है, हम लोग अपनी स्केल या जो भी हमारा अरेंजमेंट होगा उससे ये हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो उस हाइट के प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे हम इस फ्लोइंग लिक्विड की जो स्पीड है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही ईजिली तरीके से, कि कैसे हमें इस लिक्विड में जो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये बातें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अरे बड़े आराम से निकल के आ सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी आज की लेक्चर सीरीज को आगे देखते हैं। आज की लेक्चर्स में हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर कहीं ये कंटेनर है जिसमें एच हाइट तक, किस हाइट तक, एच हाइट तक, ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह ही देखते हैं हम लोग। और इसमें हमने एक होल कर दिया, एक बेसिकली होल कर दिया, ये जो होल कर दिया तो इससे लिक्विड फ्लो बाहर आएगा, वो किसी स्पीड से आ रहा होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, इसका स्मॉल ए मान लेते हैं। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन है दैट विल कंपेरिजन टू होल इट इज वेरी मच लार्जर, ये बहुत बड़ा होता है। ये सबसे पहला बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो कर देते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि कैसे क्या करना है। तो ये एक पॉइंट मान लेता हूँ और एक पॉइंट जस्ट लिक्विड से जो बाहर आ रहा है वो मान लेते हैं। यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है और यहाँ भी हमारा प्रेशर कितना है, पी नॉट के बराबर ही है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
तो अब हमें क्या क्या लगाना है, एक तो देखो वेलोसिटी है, तो इस लेवल की जो लेवल हमारा है इसकी वेलोसिटी लगभग लगभग हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो रेट होगी जो इसकी लेवल की सरफेस की कम होने की वो बहुत कम होगी, तो वो हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली लगाते हैं, बर्नौली क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि स्पीड का जो रिलेशन था वो हम लोगों ने पता कर लिया है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में बर्नौली लगाएंगे तो वो क्या होगी, पी नॉट प्लस इस पॉइंट की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ रो जी रो वी स्क्वायर, तो नेगलेक्ट है ये जीरो हो गई, प्लस इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाले लेवल को हम ये मान लेते हैं ऊपर जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि रो जी एच हो जाएगी, दिस विल इक्वल टू प्लस ही मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट की एनर्जी देखते हैं तो पी नॉट प्लस इस पॉइंट के इस लेवल के ऊपर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, रो जी एच प्लस पी नॉट प्लस हाफ इस वाले पॉइंट के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने जीरो मानी, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, रूट टू जी एच, यानी बेसिकली जो यहाँ से लिक्विड कमिंग आउट हो रहा होगा, जो बाहर निकल रहा होगा उसकी जो स्पीड होगी बेसिकली वो किस बात पे डिपेंड करेगी, कि किस रेट से, किस रेट वॉल्यूम की रेट से लिक्विड हमारा यानी जो फ्लूड है वो बाहर आ रहा होगा, ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने देखी है। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो हमारे हिसाब से ये जो दो चार पॉइंट हैं जो हम लोगों ने दो चार पॉइंट के बारे में चर्चा की है, ये किस तरीके से निकल के आए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये कैसे निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग आज की लेक्चर सीरीज में इसको जो हमने बोला ये कंटेनर होता है, इस कंटेनर से जो लिक्विड फ्लो बाहर आ रहा होता है ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर से जो लिक्विड बाहर निकल रहा होता है ये अगर हाइट एच है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, रूट टू जी एच के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, रूट टू जी एच एच के बराबर हो जाएगी। इस रूट टू जी एच के बराबर होने की वजह से ये रूट टू जी एच के बराबर हो जाएगी, यानी वेलोसिटी जब रूट टू जी एच के बराबर होगी तो वो हाइट के प्रोपोर्शन है, यानी रूट टू जी एच दिस विल इक्वल टू अ फ्री फॉल, कि अगर कोई बॉल है और इसको एच हाइट से गिराओ तो यहाँ जो वेलोसिटी वो अटेन करता है दैट विल ऑल्सो बी अ रूट टू जी एच। तो इसको एक साइंटिस्ट है टॉरी सॉली उन्होंने ये बताया था कि टॉरी सॉली थ्योरम के नाम से, कि किसी कंटेनर में से अगर होल कर दो तो होल से जो लिक्विड कमिंग आउट हो रहा होगा दैट विल वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उस वेलोसिटी को अटेन करने के बराबर होगी जो फ्री फॉल के बराबर अटेन करता है कोई फ्लूड, समझ रहा है। तो ये टॉरी सॉली थ्योरम ने बताया था, इसको टॉरी सॉली बोलते हैं। इस टॉरी सॉली थ्योरम को हम लोग डिटेल्स में अपने आगे आने अपकमिंग लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 13 में इसको डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी का अनअकैडमी के मोमेंटम चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एवं इस कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को हिट करिएगा। मैं आपको बता दूं आईआईटी जाने के लिए आपको एक रेलेवेंट मटेरियल करने की जरूरत है, लाइक करना मत भूलिए, सॉरी हमने आपको बताया नहीं, ये लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो और अगर कहीं अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर फोन उठाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और मुझे फॉलो कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे हमें चीज़ों को करना है, कैसे आईआईटी का रास्ता हमें तय करना है, आईआईटी कैसे पहुंचना है। तो मैंने आज के लेक्चर सीरीज में बहुत कुछ आपके साथ में देखा है, पढ़ाया भी है, और इसी के साथ में हम अपने आज के लेक्चर्स को ख़त्म करते हैं। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू और